नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर शनि चंद्रमा से किन स्थानों में स्थित हो तो वह शुभ फल देता है। देखिए, जब हम कोई कुंडली बनाते हैं, पहले तो हाथ से कुंडलियां बनती थी, अब कंप्यूटर से बनती हैं। चाहे हाथ से बनी हो चाहे कंप्यूटर से बनी हो, सबसे पहले तो लग्न कुंडली बनती है। आदमी का, जातक का जो लग्न होता है उसको पहले भाव में लेकर लग्न कुंडली बनती है, और उसके बिल्कुल साथ चंद्र कुंडली बनती है। चंद्रमा जिस भाव में होता है उसको लग्न मानकर चंद्र कुंडली बनती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जितना महत्व हमने लग्न को दिया है उतना ही महत्व हमने चंद्रमा को दिया है। आज हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा से किन भावों में, किन घरों में स्थित हो तो यह शुभ फल देता है। देखिए, चंद्रमा कहीं भी पड़ा हो कुंडली में, अगर आपको पता नहीं चंद्र कुंडली आपकी कहाँ है तो कुंडली के हिसाब से चल लीजिए। चंद्रमा कहीं भी पड़ा हो आपकी कुंडली में, मान लीजिए चंद्रमा जहां पड़ा है, तो इसके आगे घर गिन लीजिए। इसको एक मान लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, ये आ गया अपना चंद्रमा। तो अगर जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे घर में, जहां पर चंद्रमा से दूसरे घर में जहां पर शनि पड़ा हो, अगर चंद्रमा से दूसरे घर में शनि पड़ा हो तो जातक की कुंडली में बहुत ही शुभ सुनफा योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण जातक को अपने जीवन में धन का बहुत लाभ होता है। जातक धनी होता है, धन के कारण उसका कोई काम नहीं रुकता। जातक समाज और अपने परिवार में बहुत आदरणीय होता है, अपने कुल में बहुत आदरणीय होता है, अपने खानदान में उसकी बहुत अच्छी इज्जत होती है, बहुत अच्छा नाम होता है, एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी होती है वो समाज में भी और अपने घर में भी, अपने खानदान में भी। जातक के पास अच्छा मकान और अच्छी भूमि व अच्छा भान होता है, अच्छे मकान का सुख पाता है, भूमि भान का भी अच्छा सुख पाता है। अगर शनि चंद्रमा के तीसरे घर में स्थित हो, ये तीसरा घर आ गया जहां शनि आ जाए, तो इस तरह का जातक बहुत पराक्रमी होता है, बहुत दलेर होता है, बहुत साहसी होता है और यशस्वी होता है। इस तरह के जातक में एक खूबी होती है कि जो बात उसके दिल में होती है ना, वो उसके मुंह पर नहीं आती, दिल की बात दिल में ही रहती है, कोई जान नहीं जान सकता कि इसके दिल में क्या बात है। इसी के कारण यह बहुत बड़े कूटनीतिक होते हैं और राजनीति में भी बहुत कामयाब होते देखे गए हैं। जातक बहुत सख्त मेहनत करता है और बहुत सख्त मेहनत करके अपने जीवन में कामयाब होता है। वह अपने कामों में सदा बिजी रहता है और इधर उधर की ज्यादा फिक्र नहीं करता। तो आगे चलते हैं, अगर चंद्रमा के छठे स्थान में शनि स्थित हो तो क्या फल देगा। देखिए, जहां छठे स्थान में शनि हमारा आ जाए तो क्या फल देते हैं। छठे स्थान में अगर शनि महाराज अस्तित्व हो जाए तो जातक ज्यादातर खुश रहता है, खुश मिजाज होता है। जातक के शत्रु कम ही होते हैं, अगर होते भी हैं तो वह इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो इसके शत्रु होते हैं ना, वो अपने आप ही किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। जो व्यक्ति इससे शत्रुता करेगा
वो किसी मुसीबत में फंस जाएगा और अपने आप ही उसका नाश हो जाएगा। प्रकृति ही, नेचर ही उसका नाश कर देती है। जहां तक अपनी जीवन की समस्याओं का मुकाबला बहुत आसानी से, बहुत दलेरी से करता है। जब इसके जीवन में कोई समस्या आती है ना, तो यह एक प्लानिंग बनाता है, एक व्यूहबंदी बनाता है। उस प्लानिंग, उस व्यूहबंदी की सहायता से वह समस्या का समाधान करता है और समस्या को समाप्त कर देता है। अब आते हैं आठवें भाव पर। अगर चंद्रमा से शनि आठवें स्थित हो, जहां पर आ जाए चंद्रमा से जहां पर आया शनि, जहां चंद्रमा से गिनती करनी है। चंद्रमा से शनि अगर आठवें भाव में स्थित हो, तो अक्सर देखने में ऐसा आया है कि जातक की जो आयु होती है, जो उम्र होती है, वो अच्छी होती है, अच्छी आयु भोगने वाला होता है। पैतृक संपत्ति का, बाप दादाओं की जो प्रॉपर्टी होती है, उसका अच्छा लाभ पाने वाला होता है। वसीयत आदि से भी लाभ पाता है। वह कई काम बदलता देखा गया है। एक काम के साथ दूसरा काम कर लिया, ऐसा भी देखा गया है कि दो दो तीन तीन काम इकट्ठे कर रहा हो। जातक बहुत धैर्यवान होता है, धनी भी होता है, धन की कमी नहीं होती उसके पास, धनी होता है। और जीवन में उसके अपने ही बनाए उसूल होते हैं और उन उसूलों का वो बहुत पक्का होता है। अपने ही बनाए हुए उसूलों पर वो जीवन में चलता है और तरक्की करता है। अब आते हैं दसवें भाव पर। अगर शनि चंद्रमा से दसवें भाव पर स्थित हो, तो जातक अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस करने वाला होता है। समाज में बहुत आदरणीय होता है, समाज में अच्छी इज्जत होती है उसकी। अपना जो भी उसका काम धंधा होता है, जो भी उसका पेशा होता है, उसमें वो कामयाब होता है और बहुत संतुष्टि से काम करता है अपने जीवन में। ऐसा नहीं कि रो रो कर काम करना, मुझे ये काम करना पड़ गया जिंदगी में, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, आदि बातें नहीं होती। बहुत संतुष्टि से काम करता है और इस दुनिया में बहुत इज्जत से रहता है, बहुत इज्जत की रोटी खाता है। अपने पिताजी के आशीर्वाद से परमात्मा इसके सभी कार्य संपन्न करते हैं, सभी कार्य पूरे करते हैं। अब ग्यारहवें भाव पर आते हैं कि अगर शनि महाराज चंद्रमा से ग्यारहवें घर में स्थित हो, तो क्या फल देंगे। ग्यारहवें भाव में शनि महाराज आ जाएं, तो जातक की आमदन निरंतर बढ़ती रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी आमदन बढ़ती रहती है। धन के कारण उसका बड़े से बड़ा काम नहीं रुकता। धन कहीं से भी आए, बहुत बड़ा काम भी शुरू कर लेगा वो, तो धन कहीं से भी आए, परमात्मा इनका काम पूरा करवा देते हैं। जातक के पास चल संपत्ति और अचल संपत्ति काफी अच्छी होती है, अच्छी मात्रा में देखी गई है चल और अचल संपत्ति। अब बारहवें भाव पर आते हैं कि अगर बारहवें भाव पर चंद्रमा से शनि स्थित हो, जहां पर, तो जातक बहुत गुणवान होता है, बहुत विद्वान होता है, बहुत तजुर्बा होता है उसको जिंदगी का। जितनी उसकी उम्र होती है ना, उससे कहीं ज्यादा उसको जिंदगी की ज्ञान, लाइफ का तजुर्बा होता है। और उसकी इन गुणों के कारण, क्योंकि समझदार बहुत ज्यादा होता है, जो लोग होते हैं वो इसकी सलाह लेकर, इसकी सलाह मशवरे से अपने काम करते हैं और इसकी सलाह से किया हुआ काम हमेशा अच्छा ही रहता है, हमेशा सिद्ध ही होता है, हमेशा पूरा ही होता है ऐसा काम। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि शनि की स्थिति चंद्रमा से किन भावों में हो, किन ग्रहों में हो जिससे जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो,
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर जहाँ मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।